फिरौन ने अपने महल में अपने घर वालों के लिए एक मशाता रखी हुई थी जो कि उनके बाल संवारने और कंघी पहनने का काम करती थी। मशाता फिरौन को नहीं बल्कि अल्लाह ताला को अपना रब मानती थी। एक दिन मशाता फिरौन की बेटी के सर में कंघी कर रही थी और अचानक उसके हाथ से कंघी गिर गई। वो बेसाख्ता बोली, बिस्मिल्ला। फिरौन की बेटी ने उससे पूछा, इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हारी मुराद मेरे बाप के नाम से है? इस खातून ने जवाब दिया, नहीं बल्कि मेरा और तेरे बाप का रब अल्लाह है। फिरौन की बेटी ने ये सुनकर कहा, मैं तुम्हारी ये बात अपने बाप फिरौन को बताऊंगी। उस खातून ने कहा, ठीक है जाओ बता दो। उसने ये बात अपने बाप से कह दी। फिरौन तैश में आ गया। उसने फौरन इस खातून को अपने दरबार में तलब किया और इससे पूछा, ऐ और तेरा मेरे सवा भी कोई रब है? इस खातून ने इंतहाई जुरत और शजात से जवाब दिया, हाँ मेरा और तेरा रब अल्लाह है। ये जवाब सुनकर फिरौन ने तांबे की एक बड़ी देग मंगवाई और उसमें खोलता हुआ तेल डाल दिया। जब ये देग खूब तप गई तो फिरौन ने हुक्म दिया कि इस खातून को और इसकी औलाद को इसमें डाल दिया जाए। मशाता ने फिरौन से कहा, मेरी तुझसे एक दरख्वास्त है। फिरौन ने पूछा, क्या दरख्वास्त है? खातून ने कहा, मैं ये पसंद करती हूँ कि तू मेरे और मेरे बच्चों की हड्डियाँ एक ही कपड़े में जमा करके हमें इकट्ठा दफन कर देना। फिरौन बोला, ये तेरा हम पर हक है। फिर फिरौन के हुक्म पर इसकी आंखों के सामने इसके बच्चों को एक एक करके खोलते हुए देग में डाल दिया गया। आखिर में इसका एक शेर ख्वार बच्चा बाकी रह गया। वो अपने इस बच्चे की वजह से झिझक कर जरा पीछे हटी तो वो शेर ख्वार बच्चा बोल उठा, अम्मा जान बेखौफों के तर इसमें कूद जाए, बेशक दुनिया की सजा आहरत के अजाब के मुकाबले में बहुत हल्की है। चुनाचे वो खातून इस खोलती हुई देग में बेझिझक कूद गई। चंद हजार सालों बाद मेराज के मौके पर एक जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खुशगवार महक महसूस की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल जी कैसी खुशगवार महक आ रही है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि फिरौन की बेटी के में कंघी करने वाली खातून की और इसके औलाद की खुशबू है। तो नाज़रीनों कराम, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।